नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, काफ़ी समय से कमेंट्स आ रहा था मेरा देसी खेत जुगाड़ जो देख करके कि मेड़ बनाने का, तो उसके बारे में थोड़ा बड़ी वीडियो बनाने के लिए कितना समय लगता है, क्योंकि किसान चाहता कि हम बनाने से पहले हमको सही टाइम का पता चले कि कितने टाइम में एक मेड़ बन जाती है। तो पहली बात तो मैं आपको मेड़ बना के दिखाऊँगा कितना समय लगता है। आप देखिए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक की दूरी मेरी 50 मीटर है, एक्यूरेट 50 मीटर की दूरी। आप दिखाना, इधर एक मेड़ी देखिए मैंने बना रखी है, और आप ध्यान से देखिए कि मेड़ी इतनी ऊंची है कि अगर गेहूं के लिए अगर मैं करूं तो आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक, मतलब एक बीता की मेड़ी जो है, एक बीता से ज़्यादा की मेड़ी ये जो है बनी हुई है। तो अभी किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना जो है मतलब समय लगता है मेरा, मैं वीडियो बीच में। किसान भाइयों, आपको मेड़ बनाने से पहले मैं इसका जो लंबाई चौड़ाई और खर्च बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताया था। किसान भाई इससे भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि यार ये कितने का होगा कितने का नहीं होगा। बहरहाल ये मेरा 250 रुपये में कंप्लीट हुआ था इसको लेकर के। ये ब्लेड देख रहे हैं, ये ब्लेड लगी हुई है, लोहे की ब्लेड लगा रखी है। इसमें अगर आप धार लगा देते हैं एक साइड से तो जो छोटी मोटी घास है वो कट जाती है, उसमें फंसती नहीं। ये 2 फीट इधर चौड़ाई हो जाती है, लंबाई आपके ऊपर है। मैंने इसकी लंबाई बनाई हुई है 3 फीट, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है। आप 2.5 फीट भी बना सकते हैं, 3 फीट जो आपकी वो लगे। और रस्सी का ध्यान ये देना, जो रस्सी आप देख रहे हैं ये रस्सी 4 फीट से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 फीट से छोटी हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर क्यारी कहीं छोटी छोटी बनानी होती है तब आप इसको छोटा कर सकते हो, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और ये आप मान के चलिए, ये लकड़ी अगर जो ये वाली मेन बेस लगी है, मजबूत होती है लकड़ी तो जल्दी टूटता नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पटरा मेरा पुराना लगाया हुआ है, ये पिछली का है, पिछली वाली जो बनाई हुई थी मैंने फरूही, उसको इस पे लगा दिया है और फर्स्ट क्लास तैयार है। अभी आपको मैं ले चलता हूँ, मेड़ का समय दिखाता हूँ कितना समय। किसान भाइयों, अब यहाँ से ध्यान देना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये तो मेड़ बन रही है, अगर आपको इसी की जगह पे आपको बेड बनाना है तो जो हम मिट्टी उठा रहे हैं इसमें थोड़ा कम उठा रहे हैं, थोड़ा दूर से उठाएं, 2-1.5 फीट दूर से उठाएं और थोड़ा दबा के उठाएं, दोनों तरफ से मिट्टी थोड़ा ज़्यादा उठानी पड़ेगी और ये फिर बेड भी बन जाएगा। और बेड बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, 2 बार मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, अगर आप एक बार में नहीं होता है।
और जैसा छोटा बड़ा की ज़रूरत हो, जैसे टमाटर की ज़रूरत है तो टमाटर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाया जाता बेड, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करिए अपने आप को। टमाटर में बनाना है तो आप थोड़ा सा चौड़ा करिए, और कोई और चीज़ लगानी है जैसे कि लौकी लगाना है या मान लीजिए तोरी लगाना है, करेला लगाना है, तो थोड़ा सा चौड़ा बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप बना के एडजस्ट कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। आपका JP सिंह। किसान भाइयों, आपने देखा कि 2 मिनट 12 सेकंड 13 सेकंड के समथिंग इसमें समय लगा है। अगर 50 मीटर की मेरी, अगर मान के चलिए पूरा खेत है मेरा, इसमें 14 से 16 लाइन बनती है, तो कहने का मतलब 14 × 3 = 42 या 15 × 3 = 45, टोटल 1 घंटे का समय लीजिए। 1 घंटे का छोड़िए, 1 बनाने के बाद 2 मिनट रेस्ट कीजिए और 2 मिनट फिर बनाइए, क्योंकि जैसे अभी मेरी सांसें उखड़ रही हैं, इसका मतलब मैंने मेहनत किया है। और बहुत मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी हाथ पैर चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा सांस जो है फूलती है। 52 साल उम्र हो गई है, और बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, बेटा तो आराम से जो है करके गया। तो किसान भाइयों, अगर हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, और बहरहाल आपके डिमांड पे मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको क्या समय लगता है क्या नहीं लगता है, क्योंकि किसान भाइयों का ये था कि सर समय कितना लगेगा अगर 1 बीघे का, तो आप समय अब कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी मेड़ी लगेगी। मैंने 50 मीटर की लाइन बनाई है, ये 52 मीटर है समथिंग अबाउट, लेकिन 50 मीटर में मान के चलता हूँ, 50 मीटर में 2 से 2.5 मिनट लगता है, और इसमें 15 लाइन है। और अब आप लोग इतना ध्यान ये देना है कि अपना हिसाब से समय से निकालिए, और अगर आप चाहें तो 1 घंटे में आप 1 बीघा खेत आराम से कर सकते हैं। इससे कम समय फावड़े में नहीं लगता है, और फावड़े में कमर पकड़ लेती है, इसमें कोई झुकने की ज़रूरत नहीं है। रस्सी और वो लंबाई ऊंचाई आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका मैं आगे दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने दिखाया है आपको कि इसकी देखिए क्या साइज है और कितनी लंबाई है, कैसे बनाया जाता है। अगर आपको जो है वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगली अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ।